अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैंने एयरपोर्ट पे तो वीडियोस बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन हैंग हो गया, जिसकी वजह से वो सारी जो वीडियोस थी वो मुझे मिली नहीं, वो डिलीट हो गई। खैर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से शहर में। सऊदीया का ये खूबसूरत सा शहर है जिसका नाम है रियाद। मैं इस वक्त रियाद में मौजूद हूँ। मौसम यहाँ बहुत खूबसूरत हो रहा है, इतने प्यारे प्यारे बादल। थोड़ा कैमरा ऊपर की तरफ हो तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर बादल हैं। हम निकले थे वॉक के लिए और थोड़ा वॉक करेंगे इस एरिया को, जहाँ पर मेरी सिस्टर रहती हैं उस एरिया को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी, देखूँगी प्यारी प्यारी सी गलियाँ। साफ़ सुथरा सा ये मुल्क है। जब हम एयरपोर्ट से यहाँ तक आए थे तो मैंने देखा कि कितनी खूबसूरती से और कितनी सफाई से इस शहर को रखा गया है। बहुत ही वेल मैनर्ड लोग यहाँ लगता है रहते हैं। खैर, ये यहाँ की काली बिल्ली, वो सफ़ेद बिल्ली है उस तरफ। अभी इन गलियों में मैं वॉक कर रही हूँ और साथ साथ इस पूरे एरिया को मैं भी एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, तो मेरे साथ साथ। मौसम बहुत अच्छा। इस वक्त हम रियाद के जिस एरिया में मौजूद हैं इसका नाम है मलस। मलस में ये एक गली क्रॉस करके जब मैं आई हूँ तो सामने बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक जामा मस्जिद। आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत ये मस्जिद। मौसम यहाँ पर बहुत प्यारा हो रहा है और गर्मी नहीं, ना सर्दी है ना गर्मी, प्लेजेंट वेदर है यहाँ का। इनका एक ख़ास लिबास है वो एकदम किया हुआ है। एक काम ये करना होता है कि यहाँ गाड़ियाँ बहुत होती है। अच्छा, यहाँ एक मुझे पेट शॉप भी नज़र आई है, उधर भी जाऊँगी, लेकिन साथ साथ आपको ये भी दिखाऊँ। सामने एक बहुत ज़बरदस्त का यहाँ पर ज़ू बना है और इसकी ओपनिंग मुझे पता चली है कि 12 नवंबर को, यानी मेरी बर्थडे के अगले ही दिन इसकी ओपनिंग है। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ नहीं, वापस जब हम आएँगे। हम कहाँ जा रहे हैं ये भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो इंशाल्लाह वो वहाँ पर ही बताऊँगी कि क्या सरप्राइज़ था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। दोबारा ये बहुत ही खूबसूरत सा ज़ू, इसके करीब भी जाके हम वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बाहर से इतना खूबसूरत है तो यकीनन अंदर से भी बहुत प्यारा होगा। तो मरकज़ वलीद, ये इस मरकज़ पे कुछ यूटेंसिल्स हैं जो मिल रहे हैं, किचन के बर्तन हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। खैर, अभी मैं आपको एक पेट शॉप दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की। हेलो, ये देखें इतने प्यारे प्यारे रैबिट, खूबसूरत सा डॉग। हेलो, अंदर 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 जा सकते हैं। और कुछ बर्ड्स भी। वाह, ये पैरट है, इस पैरट के साथ मैं पिक्चर भी लाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ी प्यारी सी पेट शॉप, मुर्गियां भी हैं यहाँ। ये तोता शायद अरबी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ये अरबी में शायद बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे हेलो कह रहा है। अब आगे चलते हैं और ये देखें, वाह, शुतुरमुर्ग। और ये भी है यहाँ पे पूरा ज़ू बना है। ये कोई ख़ास किस्म की बकरी है, मुझे नहीं पता इनके बारे में,
महारानी ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पेट शॉप, यहाँ मैं चाहूँगी थोड़ी देर के लिए ही कैमरा स्टॉप करें और उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनवाएं। शॉप्स हैं जिनको अरबी में बकाला कहते हैं और यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, पाकिस्तानी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं, घर के करीब ही है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखने की नज़र आ रही है सामने, वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको ये स्टोर्स दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अपनी ग्रॉसरी कटी होती है वो इन्हीं जगहों पर आते हैं। रियाद का ये खूबसूरत सा जू जिसकी ओपनिंग मैंने पहले भी बताया कि अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। आई विश मैं अंदर अभी जा सकती, लेकिन अभी इट्स नॉट अलाउड। जब 12 नवंबर को इसकी ओपनिंग होगी तो उसके बाद ही हम अंदर जा सकेंगे और इनकी जो पब्लिक है वो भी अंदर जा सकेगी, लेकिन अभी नहीं जा सकते। वहाँ पर राइट साइड पर एक वॉकिंग ट्रैक है जो यहाँ पर करीब लोग रहते हैं, जो रिहायशी हैं इस इलाके के, वो वहाँ आते हैं शाम में और वॉक करते हैं। शाम हो चुकी है यहाँ पे, हम भी उस ट्रैक की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि उस ट्रैक पर कितने लोग हैं, क्या रश है, लोग किस तरह से वॉक कर रहे हैं। अभी तो मुझे बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, होता होगा आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पर आते होंगे, लेकिन अभी मैं खुद जा रही हूँ। कैसा लगा आपको वॉकिंग ट्रैक? ये है इनका वॉकिंग ट्रैक जहाँ पर लोग शाम में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो शाम के वक्त यहाँ आते हैं। वैसे तो पूरा जो शहर है वो जितना मैंने देखा एयरपोर्ट से यहाँ आते तक तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था जब हम यहाँ आए। बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा, मैंने पहले भी मेंशन किया कि इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरा ये शहर है सऊदी अरब का। और ये ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक जो मैंने आपको पहले बताया, ये भी बहुत खूबसूरत बना। अभी पूरी तरह से इसकी भी ओपनिंग नहीं हुई, जू के बराबर में ये बना है, अभी इसकी भी ओपनिंग होनी है। वहाँ कुछ बच्चे खेल कूद भी कर रहे हैं, जो बड़े हैं वो अपनी वॉक में लगे हुए हैं। सामने मैं कुछ देख रही हूँ, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, पूरा एरिया ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैंने आपको इस पूरे एरिया की सैर करवाई, और रात होने वाली है तो रात में भी अब कहीं निकलेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप सबको मैं अपने साथ ज़रूर रखूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप सबको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। करना आपने ये है कि मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सबको एक दफ़ा फिर अल्लाह हाफिज़।